हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एसटी कॉल लिस्ट के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। देखिए, ये हम जो सीरीज़ कर रहे हैं एमसीक्यूज की, वो ईएमआरएस के जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखकर कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर। जैसे स्टार्टिंग में हमने विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज को सॉल्व किया, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी शैले, जॉन कीट्स, इन सभी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करा चुकी हूँ चैनल पर। अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उन्हें जाकर देखिए, ठीक है। और अभी हम शुरू कर रहे हैं एसटी कॉलेज को। एसटी कॉलेज की भी तीन वीडियो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, लगभग 90 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं एसटी कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आज ये हमारी वीडियो नंबर 4 है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रैसीज ऑक्यूपेशन। देखिए, लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मतलब ब्रैसी के कैरेक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है मतलब। और ये एसटी कॉलेज की कौन सी पोएम से है, तो ये क्रिस्टेबल से है, ठीक है, उसी पोएम का एक कैरेक्टर है ब्रैसी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रैसी का ऑक्यूपेशन क्या रहता है, व्हाट वाज द ब्रैसीज ऑक्यूपेशन। ऑप्शंस आर सॉर्सरर, कुरियर, बर्ड या नाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, ब्रैसी का जो ऑक्यूपेशन होता है वो होता है ही इज अ बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बर्ड। नेक्स्ट इज, देखिए ये अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो क्रिस्टेबल जो पोएम है एसटी कॉलेज की उसी से चल रहे हैं। व्हाट इज ब्रैसीज रिएक्शन टू सर लियोलाइन्स कमांड रिगार्डिंग गेरल्डाइन। ऑप्शंस आर ही आस्क्ड दैट इट बी डिलेड, नेक्स्ट इज ही आस्क्ड दैट इट कम इमीडिएटली, नेक्स्ट इज ही फियर सम ट्रेचरी फ्रॉम सर लियोलाइन, या फिर ही एक्यूज़ सर रोलैंड फॉर डिसऑनरिंग हिज डॉटर। क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज ब्रैसीज रिएक्शन टू सर लियोलाइन्स कमांड रिगार्डिंग गेरल्डाइन। गेरल्डाइन को लेकर जो लियोलाइन की कमांड होती है उसके ऊपर ब्रैसी का क्या रिएक्शन है। ही आस्क्ड दैट इट बी डिलेड, नेक्स्ट है ही आस्क्ड दैट इट कम इमीडिएटली, ही फियर सम ट्रेचरी फ्रॉम सर लियोलाइन, या फिर ही अक्यूज़ सर रोलैन फॉर डिसऑनरिंग हिज डॉटर। यस, वो जो ब्रैसी होता है वो यही कहता है कि इसको इसमें देरी कर देनी चाहिए इस कमांड में, ठीक है। ही आस्क्ड दैट इट बी डिलेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट टेम्पोरली फ्रीज कस्टेबल फॉर गेरल्डाइन्स स्पेल। ऑप्शंस आर हर फादर्स एम्ब्रेस, गेरल्डाइन्स कंफ्यूजन, द साइट ऑफ सनराइज, या फिर हर ओन साइलेंट प्रे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रिस्टेबल को टेम्परेरी रूप से थोड़ी देर के लिए गेरल्डाइन के स्पेल से, गेरल्डाइन जो जादू कर देती है उस पर, उसके स्पेल से फ्री कौन कर देता है। ऐसी क्या चीज़ थी जिससे वो फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए क्रिस्टेबल गेरल्डाइन के स्पेल से, गेरल्डाइन के जादू से। तो वो क्या था, हर फादर्स एम्ब्रेस, नेक्स्ट इज गेरल्डाइन्स कन्फ्यूजन, या फिर द साइट ऑफ सनराइज, या हर ओन साइलेंट प्रेयर। यस, यहाँ पे क्या काम आता है, हर ओन साइलेंट प्रेयर। क्रिस्टेबल की जो खुद की साइलेंट प्रेयर्स होती हैं वो उसको थोड़ी देर के लिए गेरल्डाइन के स्पेल से फ्री कर देती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हेन टेम्पररी फ्री फ्रॉम गेरल्डाइन स्पेल, व्हाट डज क्रिस्टेबल आस्क फॉर हर फादर।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब वो थोड़ी देर के लिए जो क्रिस्टेबल है वो गैरल्डाइन के स्पेल से आज़ाद होती है, व्हाट डज क्रिस्टेबल आस्क टू हर फादर, तो अपने पिताजी से वो क्या कहती है या क्या मांगती है? टू सेंड गैरल्डाइन अवे इमिजिएटली, नेक्स्ट इज टू अलाउ हर टू गो विद गैरल्डाइन बैक टू हर होम, या फिर टू फाइंड क्रिस्टेबल्स मिसिंग मदर, नेक्स्ट इज टू लॉक गैरल्डाइन इन द टावर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्रिस्टेबल अपने फादर से क्या कहती है? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टू सेंड गैरल्डाइन अवे इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज Who wrote the poem to Lord Stanhope or to Sheridan? ये दो poem किसके द्वारा लिखी गई हैं? Who wrote the poems to Lord Stanhope and to Sheridan? तो यहाँ पे आप particularly एक list बना सकते हैं ST College के works की, क्योंकि जो least famous work होते हैं ना writer के, अक्सर उन्हें पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, या ऐसा दे देंगे कि चार वर्क दे दिए, उनमें से पूछ लिया कि एसटी कॉलेज का वर्क कौन सा नहीं है। इसलिए हमें एक तरीके से उनकी वर्क लिस्ट, जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, उनको लर्न करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जिसमें एसटी कॉलेज के वर्क्स के बारे में हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, हु रोट पोएम्स टू लॉर्ड स्टैनहोप एंड टू शेरिडन, तो ये दोनों ही पोएम किसके द्वारा लिखी गई हैं? एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना है टू लॉर्ड स्टैनहोप एंड टू शेरिडन। ठीक, नेक्स्ट इज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन वाज पोएम टू लॉर्ड स्टैनहोप बाय कॉलेजिस्ट पब्लिश्ड, तो ये जो पोएम थी टू लॉर्ड स्टैनहोप ये कब पब्लिश होती है कॉलेज के द्वारा, कब पब्लिश कराई जाती है? ऑप्शन है 1799, 1798, 1797 या फिर 1796। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? पब्लिकेशन डेट भी एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1796। ठीक है, ध्यान रखना है टू लॉर्ड स्टैनहोप जो है वो पब्लिश होती है 1796 में। नेक्स्ट इज एसटी कॉलेज वाज बोर्न इन डैश यूके, तो ये तो आपको पता ही है कि इंग्लैंड की मतलब जन्म हुआ था इनका, यूके में जन्म हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह है वो, ऑटरी सेंट, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, एसटी कॉलेज वाज बोर्न इन ऑटरी सेंट। ठीक है, ऑटरी सेंट कहाँ पर जगह है? यूके में। ओके, ऑटरी सेंट में इनका जन्म होता है और आई गेस 1772 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम लिम्बो, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना है नेम द पोएम लिम्बो, लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, एसटी कॉलेज, मिल्टन। तो यहाँ तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्क्स के नेम याद कर लेने हैं बेसिकली। ठीक है, जब हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे बाद में, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट पड़े। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, एसटी कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, एसटी कॉलेज डाइड, तो इनकी मृत्यु कौन से ईयर में होती है? 1830, 1832, 1833 या फिर 34? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए।
1834. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1834. नेक्स्ट इज दिस लाइन, यहाँ पे लाइन होना चाहिए ना कि लाइम. दिस लाइन ट्री ओवर माई प्रिजन इज अ पोएम बाय, ये जो लाइन दी गई है ट्री ओवर माई प्रिजन, ये एक पोएम है जो किसके द्वारा लिखी गई है, या ऐसे कह लीजिए कि पोएम की लाइन है या पोएम का टाइटल है. बोअर माई प्रिजन, ट्री ओवर माई प्रिजन. ऑप्शन आर लॉर्ड बायरन, पी बी शैले, एस टी कॉलेज, रॉबर्ट साउदे. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, आई थिंक यू शुड नॉट डाउन दिस, एस टी कॉलेज. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 11. एस टी कॉलेज एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन डैश इन दिसंबर 1793. एस टी कॉलेज ने अपने आप को एनलिस्ट कराया था कौन सी सूची में, यह कौन सी मैगजीन के लिए, इन दिसंबर 1793 में. ऑप्शंस है रॉयल ड्रैगन्स, ग्लोबल ड्रैगन्स, लिवली ड्रैगन्स या फिर पुअर ड्रैगन्स. यस, सोचिए आंसर कीजिए. रॉयल ड्रैगन्स हैं, लिवली ड्रैगन्स हैं, ग्लोबल ड्रैगन्स हैं या फिर पुअर ड्रैगन्स हैं. कहाँ पर एनलिस्ट कराया था खुद को एसटी कॉलेज ने? यस, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज रॉयल ड्रैगन्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉयल ड्रैगन्स. नेक्स्ट इज 12. हु इज एस टी कॉलेज मदर? तो एस टी कॉलेज की मदर का नेम क्या होता है? यस, सोचिए आंसर कीजिए. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सारा फ्लेचर है, हेडा वाउडन है, एनी वाउडन है या फिर मैरी फ्लेचर. हु वाज कॉलेज मदर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एनी वाउडन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 13. नंबर द वॉचमैन वॉज पब्लिश्ड इन 3 months. तो दो, ये जो द वॉचमैन है ये पब्लिश होता है 3 महीने के लिए, कौन से ईयर में? 1795, 96, 97, 98. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? The Watchman was published in 1796 में. ध्यान रखना है 3 महीने के लिए, मतलब ये एक मैगजीन टाइप है 1796 में जो पब्लिश होती है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 इज द वॉचमैन वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम मार्च 1796 टू 1996. तो अभी हमने बात की थी पीछे कि 3 महीनों के लिए पब्लिश होती है. ठीक है, मार्च 1796 से लेकर कब तक पब्लिश हुई होगी? ऑप्शन है अगस्त, जुलाई, जून, मई. तो आप कैलकुलेट करके भी आंसर कर सकते हो. सोचिए आंसर कीजिए. मार्च से शुरुआत होती है 1796 से और ब्लैंक में क्या आना चाहिए, कौन सा मंथ? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है मई. ठीक है, मई 1796. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. द ओड डैश वॉन कॉलेज द ब्राउन गोल्ड मेडल. तो कॉलेज को, जैसे आपको बताइए कि ब्राउन गोल्ड मेडल मिला था कॉलेज को, वो उनके कौन से वर्क के लिए मिला था? ऑप्शन है
और वर्क क्या था, वो एक ओड था जिसके लिए मिला था, ठीक है। ऑन पॉवर्टी, ओड ऑन पॉवर्टी इन लंदन, या फिर ऑन द स्लेव ट्रेड, या फिर ऑन फ्रेटर्निटी, या फिर द नाइटिंगेल। तो कौन से वर्क के लिए उन्हें ब्राउन गोल्ड मेडल मिला था एसटी कॉलेज को? यस, सोचिए आंसर कीजिए, वो ऐसा कौन सा वर्क था जिसके लिए एसटी कॉलेज को ब्राउन गोल्ड मेडल मिलता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओड ऑन द स्लेव ट्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑन द स्लेव ट्रेड, इस पर जो ओड है। नेक्स्ट इज 16, व्हेन डिड कॉलेज मीट वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी? तो कॉलेज की पहली मुलाकात वर्ड्सवर्थ से, विलियम वर्ड्सवर्थ से, और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ से कब होती है? 1792 में, 93 में, 1794 में, या फिर 1795 में? वो कौन सा ईयर था जब उनकी मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ से और डोरोथी वर्ड्सवर्थ से होती है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए। यस, उनकी मुलाकात जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ से होती है कब होती है? 1795 में होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17 नंबर, डैश वाज एसटी कॉलेज वाइफ, तो कॉलेज की वाइफ का नाम क्या था? मारिया डचमैन, सारा फ्रीकर, सारा फ्लेचर, मैरी फ्लेचर। सोचिए आंसर कीजिए। यस, हु वॉज द वाइफ ऑफ एसटी कॉलेज? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, उनकी वाइफ का नाम सारा था, ठीक है, ना तो मारिया डचमैन रहेगा ना मैरी फ्लेचर। अब इसमें सारा फ्रीकर है या सारा फ्लेचर है? तो आई गेस सारा फ्लेचर होता है, ठीक है, इसमें डाउट भी है, आप एक बार इसे कंफर्म करूंगी मैं, सारा फ्रीचर है, सारा फ्लेचर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट 18 इज द डेविल्स थॉट 1799 इज अ पोएम बाय, तो देखिए ये भी एक पोएम है, द डेविल्स थॉट 1799 में लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर तो आप आसानी से कर लेंगे, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन, एसटी कॉलेज, जॉन कीट्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, एसटी कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एसटी कॉलेज का वर्क है द डेविल्स थॉट, और जो पब्लिश होता है 1799 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कॉलरेज? देखिए उसी तरीके का एक वर्क वो आ गया है क्वेश्चन, इसमें से देख के आपको पहचान के बताना है कि इनमें से कॉलरेज का वर्क कौन सा नहीं है। ऑप्शन है क्रिस्टबल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, द डेविल्स थॉट, और टू अ नाइटिंगेल। तो देखिए आप बहुत ही ईजिली आंसर कर लोगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि एसटी कॉलरेज का वर्क क्या है, द डेविल्स थॉट, ये भी एसटी कॉलेज का वर्क है, ठीक है। क्रिस्टबल के बारे में हम काफ़ी डीप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये भी एसटी कॉलेज का ही वर्क है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और टू अ नाइटिंगेल, तो देखिए नाइटिंगेल पे वर्क तो लिखा है एसटी कॉलेज ने, लेकिन वो उनका वर्क क्या नाम क्या है? द नाइटिंगेल, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है? द नाइटिंगेल, ठीक, ना कि ओ टू अ नाइटिंगेल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया कौन सा वर्क नहीं है, तो ये वाला वर्क एसटी कॉलेज का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओड टू अ नाइटिंगेल किसका वर्क है? तो जॉन कीट्स का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 20, हु बी फ्रेंडेड विद एसटी कॉलेज इन क्राइस्ट हॉस्पिटल,
तो क्राइस्ट हॉस्पिटल में एसटी कॉलेज का दोस्त कौन बनता है? लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम। जॉन कीट्स दो बार आ गया, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ और लिख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन दोस्त बनता है उनका क्राइस्ट हॉस्पिटल में, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट, चार्ल्स लैम या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? सोचिए, आंसर कीजिए। वर्ड्सवर्थ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो दोस्ती होती, हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे एसटी कॉलेज के, लेकिन क्राइस्ट हॉस्पिटल में जिनसे उनकी मुलाकात होती है वो होते हैं चार्ल्स लैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्राइस्ट हॉस्पिटल इज नॉट अ हॉस्पिटल, इट इज़ अ स्कूल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चार्ल्स लैम से मुलाकात होती है इनकी और वे इनके दोस्त बनते हैं। नेक्स्ट इज द नाइटिंगेल, अ कन्वर्सेशन पोएम इज रिटन बाय। बहुत ही ईजीएस्ट वन, आज का सबसे ईजी क्वेश्चन कह सकते हो, नाइटिंगेल। बस इसमें हमें सीखने वाली क्या चीज़ देखनी है, ये देखना है कि नाइटिंगेल का भी एक सबटाइटल है। ठीक है, हो सकता है सबटाइटल पूछ लिया जाए कहीं पर, तो नाइटिंगेल का जो सबटाइटल है वो है अ कन्वर्सेशन। ठीक है, तो नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशन पोएम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, तो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई है इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए 22 इज हु रोट द पोएम फियर्स इन सॉलिट्यूड। फियर्स इन सॉलिट्यूड, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर पीवी शैले, लॉर्ड बायरन, जीएम हॉपकिंस या फिर एसटी कॉलेज। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। फियर्स इन सॉलिट्यूड, ये पोएम भी किसके द्वारा लिखी गई है? एसटी कॉलेज के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23, एसटी कॉलेज इंट्रोड्यूस्ड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज इन। तो एसटी कॉलेज ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा पूछ लिया जाता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे भी घुमा फिर आगे पूछ लिया जाएगा। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अपने कौन सी पोएम में वो इंट्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन है टू शेरिडन, टू लॉर्ड स्टैनहोप, बायोग्राफिया लिटरेरिया या फिर कस्टेबल। बताइए वो कौन सी पोएम है जिसमें वो इस टर्म को, इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं? फ्रेज क्या है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे हमने जॉन कीट्स का देखा था ना, नेगेटिव कैपेबिलिटी, उसी तरीके से इनका ये टर्म है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो वो कौन सा वर्ग है जिसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं इसे? द वर्क इज बायोग्राफिया लिटरेरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट इज 24, टू सऊदी 1795 वाज रिटन बाय। तो ये जो वर्क है टू सऊदी, ये 1795 में किसके द्वारा लिखा गया है? अच्छा, ये बताइए कि इनसे, रॉबर्ट सऊदी से इनका क्या रिलेशन था एसटी कॉलेज का? हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। यस, तो इनसे सऊदी से क्या रिलेशन था, रॉबर्ट सऊदी से? कि मतलब इनकी जो वाइफ थी, एसटी कॉलेज की जो वाइफ थी सारा, सारा की सिस्टर की शादी रॉबर्ट सऊदी से होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों साड़ू साड़ू थे। ठीक, अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? टू सऊदी 1795 ये लिखा है इन्होंने, एसटी कॉलेज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज When was कुबला खान by college published? तो कुबला खान, ये जो वर्क था कॉलेज के द्वारा, इसे कब पब्लिश कराया गया? ऑप्शन है 1813 में, 1814 में, 1816 में या फिर 1818 में। कौन सा ईयर था वो, कौन से ईयर में कुबला खान को कॉलेज के द्वारा पब्लिश कराया जाता है? 1813, 1814, 1816, 1818।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये पब्लिश होता है 1816 में, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1816. नेक्स्ट इज 26. द सब टाइटल ऑफ कुबला खान बाय एसटी कॉलेज इज. तो कुबला खान ये जो वर्क है इसका सब टाइटल क्या है? जैसे कि आपको पता है कि ये कब पब्लिश हुआ है, 1816 में पब्लिश हुआ है. अब इसका सब टाइटल क्या होता है? अ फ्रेगमेंट, अ विजन इन अ ड्रीम, माई ड्रीम, या बोथ ए एंड बी. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? कुबला खान, अ फ्रेगमेंट, अ विजन इन अ ड्रीम, माई ड्रीम, या बोथ ए एंड बी. यानी कि ए एंड बी को मिक्स करके देखें तो अ फ्रेगमेंट एंड अ विजन इन अ ड्रीम. यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये दोनों ही सब टाइटल है, अ फ्रेगमेंट और अ विजन इन अ ड्रीम. ऑप्शन नंबर ए एंड बी. नेक्स्ट 27. नेम अ शॉर्ट लिव्ड जर्नल एस्टेब्लिश्ड बाय एसटी कॉलेज. तो कॉलेज के द्वारा एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड का मतलब वो बहुत ही कम समय के लिए जो पब्लिश कराया गया जर्नल, उसका नाम क्या था जो एस्टेब्लिश किया गया कॉलेज के द्वारा? ऑप्शंस आर द वॉचमैन, द डूम, द स्पेक्टेटर, द शिप. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. कौन सा जर्नल था वो? द वॉचमैन था, द डूम था, द स्पेक्टेटर, या फिर द शिप. तो जैसा कि आप जानते ही हैं, द वॉचमैन जो है ये वो जर्नल था, ठीक है, मात्र 3 महीने के लिए पब्लिश होता है. ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 28. द फेमस प्रोज वर्क ऑफ एसटी कॉलेज इज. तो एसटी कॉलेज का बहुत ही फेमस प्रोज वर्क कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना है, ज़्यादातर इन्होंने पोएम ही लिखी है. तो फेमस प्रोज वर्क कौन सा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द लॉर्ड ऑफ स्टैन होप, या फिर इओलाइन हार्प. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये वर्क जो है ये प्रोज वर्क है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ प्रोज वर्क बाय एसटी कॉलेज, जो बहुत ही फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रहा. नेक्स्ट है 29. एसटी कॉलेज डिजेक्शन एंड ओड ओपन विद एन एपीग्राफ विच इज अ रेफरेंस टू अ बैलेड. आइडेंटिफाई द बैलेड. तो एसटी कॉलेज का जो वर्क है डिजेक्शन एंड ओड, ये ओपन होता है एक एपीग्राफ से. ठीक है, और जो एक बैलेड का रेफरेंस है, मतलब उस एक बैलेड से लिया गया है, उस बैलेड के बारे में बताना है कि वो कौन सा बैलेड है. ऑप्शन है बैलेड ऑफ अ गुडली फेयर, ला बैलेड एमसेंस मर्सी, इट इज ऑल्सो अ बैलेड. नेक्स्ट इज बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, या फिर बैलेड ऑफ द गिबेट. तो कौन से बैलेड से इसका रेफरेंस लिया गया है जिसको एक एपिग्राफ के रूप में डिजेक्शन एंड ओड में प्रस्तुत किया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? हाँ, यहाँ पे जो बैलेड है वो होगा बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस. ठीक है, इसका रेफरेंस है वहां पर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30.
यस, क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन इज द कैरेक्टर एरियल एन एक्सक्लूजन, इनमें से कौन सा वर्क है जिसमें एरियल नामक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, क्रिस्टेबल, द नाइटिंगल, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्पेस्ट में एरियल नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि एस्टिकॉलस के कौन से वर्क में ये सेम कैरेक्टर को एक्सक्लूज किया गया है। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर वो है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी अगर क्वेरी है तो वो पूछ भी सकते हैं, या हो सकता है बाय चांस किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे मैं रीचेक करती ही हूँ, तब तक के लिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।